हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो में जो एक नई सीरीज शुरू की थी कि अंग्रेजी कैसे सीखे, तो अंग्रेजी सीखने के लिए जो मैंने पहले बताया था कि वोकैबुलरी मजबूत करनी बहुत ज़रूरी है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, वोकैबुलरी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी वोकैबुलरी का एक पार्ट लेके आया हूँ, उसको स्टार्ट करने वाले आज हम इस वीडियो में। तो वो उसका नाम है एंटोनियम्स विलोम शब्द। तो आज हम इस एंटोनियम्स को पूरी अच्छी तरह से जानेंगे कि ये एंटोनियम्स क्या है, एंटोनियम्स के कितने प्रकार है। काफ़ी लोगों को शायद ये पता नहीं है कि एंटोनियम्स के कुछ अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। तो आज हम इसको पूरे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इनके एक एक अल्फाबेटिक वाइज एंटोनियम्स को तैयार करेंगे। तो एंटोनियम्स की अगर डेफिनेशन हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि एंटोनियम्स बेसिकली जस्ट अ वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग टू वन अनदर। तो ये विलोम शब्द एंटोनियम्स क्या है कि ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग, शब्दों के एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग होते हैं, इनके विपरीत मीनिंग होते हैं, इनको शब्दार्थ होते हैं इनके। तो एंटोनियम्स के कितने प्रकार हैं उनको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और उनके साथ साथ उनके उदाहरण एग्जांपल्स भी हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला टाइप इस एंटोनियम्स का पहला टाइप होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड बाइनरी पेयर्स एंटोनियम्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंड बाइनरी पेयर्स एंटोनियम्स क्या होते हैं? ये समथिंग दैट कैन नॉट बी बोथ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो या फिर बाइनरी एंटोनियम्स है कि एक ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसा कोई वर्ड्स जो एक बार में दो नहीं हो सकता। एग्जांपल्स के तौर पर अगर मैं बताऊं कॉम्प्लीमेंट्री या फिर बाइनरी एंटोनियम्स का कोई एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो वो है कि डेड अलाइव। अगर कोई मतलब एक आदमी या तो मर सकता है या फिर जिंदा हो सकता है, तो इसी प्रकार अपन वो होते हैं क्या, एक दूसरे के अपोजिट, डेड या अलाइव, समथिंग डेट कैन नॉट बी बोथ, एक नहीं हो सकता। तो मतलब एट अ टाइम वो एक ही हो सकता है, अपन वो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो पहला एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, डेड और अलाइव। और दूसरा एग्जाम्पल पास फेल, मतलब या कोई लड़का है वो या तो पास होगा या फिर फेल होगा, दोनों नहीं हो सकता, पर वो दोनों होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। और अगर तीसरा एग्जांपल मैं बता दूं ट्रू या फॉल्स, अगर कोई सेंटेंस है या फिर कोई वाक्य है या तो वो गलत होगा या फिर सही होगा, तो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकते वाक्य, क्योंकि दोनों सही नहीं हो सकते, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स, पर वो दोनों होते हैं एक दूसरे के, पर ये वर्ड्स क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंड बाइनरी पेयर्स एंटोनियम्स। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो दोस्तों, जो सेकंड टाइप, जो अगला टाइप है वो है क्रेडिबल एंटोनियम्स। क्रेडिबल मतलब कर्मित विलोम शब्द। अब इसमें क्या होता है कि समथिंग दैट कैन बी बोथ बट अपोजिट ऑन ए स्केल, कि एक छोर पर ये होते हैं एक दूसरे के विलोम, पर ये क्या दोनों चीजें ये हो सकते हैं। अब दोनों चीजें क्या कैसे हो सकते हैं, अगर विपरीत है तो दोनों चीजें कैसे हो सकते हैं? तो एग्जांपल्स के तौर पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहला एग्जांपल है कि अगली ब्यूटीफुल। अब हम आमतौर पे देखते हैं कि कभी कभार हमारा मतलब कोई व्यक्ति है क्या होता है, कभी कभार अगली दिखता है, कभी कभार ब्यूटीफुल दिखता है, तो दोनों क्वालिटी उसके अंदर है। पर ये अगली और ब्यूटीफुल एक छोर पर क्या है, आपस में क्या है, विलोम है, दोनों के अपोजिट है। इसी प्रकार ये क्या हो गया, ग्रेडेबल एंटोनियम्स। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं दूं गुड या बैड, मतलब किसी इंसान में दोनों चीजें होती है, उसमें अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है, गुड हैबिट्स भी होती है बैड हैबिट्स भी होती है, पर ये एक एक छोर पर देखा जाए या एक लेवल ऑफ स्केल पर देखा जाए कि ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर और एक और एग्जांपल्स मैं देता हूँ कि हॉट एंड कोल्ड, हॉट और कोल्ड, कोई मतलब कोई आदमी गर्म मिजाज का हो, कोई आदमी शांत मिजाज का हो, तो वो दोनों क्वालिटी है उसके अंदर, पर वो एक छोर पर क्या होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं एक दूसरे के
अपोजिट होते हैं तो इसे कहते हैं ग्रेडेबल एंटोनियम्स, कर्मिक एंड विलोम शब्द। ठीक है, ये था हमारा दूसरा टाइप। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप की ओर। तो तीसरा टाइप का नाम क्या है? रिवर्स एंड रिलेशनल एंटोनियम्स। मतलब अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेट होगा या फिर कुछ रिवर्स एक्टिविटी होगा। तो टू थिंग्स और पीपल आर रिलेटेड बट दे डू हैव अपोजिट मीनिंग। मतलब वो एक दूसरे से या तो रिलेटेड होंगे, टू थिंग्स या कोई पीपल, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, पर उनके वर्ड्स की जो मीनिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब एग्जांपल्स में आपको अच्छे से समझ आएगा कि पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, मतलब माँ बाप और बच्चा, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड होते हैं, पर एक दूसरे से अपोजिट है। पेरेंट्स बड़े होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, अपोजिट है ना एक दूसरे से। और दूसरा एग्जांपल मैं बता दूँ, बाय एंड सेल, हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, लिया और दिया, कोई चीज़ ली और उसको बेच दी, तो रिवर्स एक्टिविटी हुई। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी है, रिवर्स भी है, पर एक दूसरे के वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, अपोजिट। और तीसरा एग्जांपल पुश एंड पुल, पुश एंड पुल, तो हमने क्या किया, पुश भी किया और पुल किया, दोनों अपोजिट, मतलब फोर्स तो एक ही लग रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है कि इनके अंदर फोर्स लग रहा है, पर दोनों के वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो ये है रिलेटेड एंड रिलेशनल एंटोनियम्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले टाइप की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम चौथे और लास्ट टाइप की ओर। तो चौथा टाइप है वो है प्रीफिक्स। एड प्रीफिक्स टू अ वर्ड टू मेक एन एंटोनियम्स। हम क्या करते हैं, हम अगर हमें किसी वर्ड को एंटोनियम्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसके आगे प्रीफिक्स जोड़ देंगे। अब वो प्रीफिक्स क्या जोड़ेंगे हम, वो जोड़ेंगे हम दिस एंड अन। अगर हिंदी में कहे तो हम उपसर्ग जोड़ देंगे, जैसे कि कोई वर्ड होता है पवित्र, उसके हम आगे उपसर्ग और जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है अपवित्र, तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के विलोम। तो उसी प्रकार इंग्लिश में हम दो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, दिस एंड अन। तो उसके आगे हमने दिस या अन जोड़ देंगे तो वो वर्ड क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एंटोनियम्स में। एग्जांपल्स में आपको अच्छे से सुना आएगा कि सिमिलर एक वर्ड है, उसके आगे हमने डिस जोड़ दिया तो वो हो गया डिससिमिलर, तो वो सिमिलर और डिससिमिलर वो क्या हो गया, एक दूसरे से अपोजिट हो गए। ठीक है, फैमिलियर हो गया फैमिलियर एंड उसके आगे हमने अन प्रीफिक्स जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, एक दूसरे से अपोजिट, फैमिलियर अनफैमिलियर। या फिर तीसरा एग्जांपल हो गया कि इम्पोर्टेंट, उसके आगे हमने अन जोड़ दिया प्रीफिक्स तो वो हो गया अनइम्पोर्टेंट। या फिर हम कहते हैं रिस्पेक्ट, उसके आगे हमने डिस प्रीफिक्स जोड़ दिया तो वो हो गया डिसरिस्पेक्ट। तो इसी प्रकार प्रीफिक्स जोड़कर हम एंटोनिम्स में वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा और लास्ट टाइप। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें एंटोनिम्स पढ़ना इतना क्यों जरूरी है वोकैबुलरी के अंदर। तो जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें जो वर्ड्स के मतलब जो हमें वर्ड्स के अपोजिट रिलेशनशिप होते हैं वो पता चल जाता है। ठीक है, और हमारे रीडिंग राइटिंग और बातचीत में कन्वर्जेशन में हमारे वोकैबुलरी अगर हम एंटोनिम्स का ज्ञान होगा तो हम इफेक्टिवली किसी के सामने शो हो पाएंगे, हमारी राइटिंग होगी तो वो भी इफेक्टिवली सबके सामने शो हो पाएगी, इसीलिए एंटोनिम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने पढ़ा कि एंटोनिम्स क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स पढ़े एग्जांपल के साथ, तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही है तो डू लाइक दिस क्लास एंड डू फॉलो डू सब्सक्राइब आवर चैनल नवजीवन क्लासेस। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।